Hello, welcome to the study center. In this question we are going to discuss computers basic. और computer में हम किसके behalf पढ़ेंगे? हम जो आने वाला exam है SSC CGL 2023 का जो mains का paper होगा उसको point में रखेंगे, और अभी जो SSC CHSL इसका प्री हो रहा है, इसके बाद अभी इसका क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसमें भी आपको पता है कंप्यूटर आना है, और आपने देखा प्री में काफ़ी बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए हैं, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पूरा कंप्यूटर का आपका सिलेबस इस चैनल पे ख़त्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरे वीडियो को देखेंगे, और आप पूरे वीडियो के साथ साथ पूरे हमारे सिलेबस को अपने नोट्स बनाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप 60 में 45 मार्क्स ज़रूर लाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, यानी कंप्यूटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी इसको हम ग्रुप कर सकते हैं, इसको कैटेगरी बना सकते हैं। कितने कैटेगरी में? दो मेजर कैटेगरी में, बेस्ड ऑन देयर वे ऑफ हैंडलिंग डेटा, यानी वो डेटा को कैसे हैंडल करते हैं उस बेसिस पे हम कंप्यूटर को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी हमें दो कंप्यूटर जानना है बस, एक है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा क्या है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर। बस इन्हीं दोनों पे ही हमको अपना पूरा फोकस रखना है। और क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमारे इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह कंप्यूटर हैं, कौन कौन से, एनालॉग और डिजिटल। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स पे काम करता है, लाइक सिग्नल, आप कोई मान लीजिए करंट है, मान लीजिए ये करंट बनाया है आपने, एक ऐसा यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, आपने इस सर्किट को यहाँ से ऑन कर दिया तो आपका कंप्यूटर काम करने लगा, कोई आउटपुट देने लगा, आपने ये सर्किट हटा दिया आपका आउटपुट बंद कर दिया। यानी ये किसके काम कर रहा है, ये सिग्नल पे काम कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड पे काम कर रहा है, यानी ये जैसी वेव्स चल रही हैं उस वेव्स का एम्पलीट्यूड ये डिफाइन करेगा उस कंप्यूटर की स्पीड, उस कंप्यूटर का आउटपुट और उस कंप्यूटर का प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें किस पे आती हैं, ये सब आती हैं एनालॉग कंप्यूटर पे। तो एनालॉग कंप्यूटर आपने देखा होगा, देख लीजिए ऐसा होता है, और एनालॉग कंप्यूटर जो दुनिया के पहले कंप्यूटर थे वो एनालॉग कंप्यूटर थे, वो ऐसे थे, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो प्रिंसिपल किस पे काम करते हैं, बाइनरी डिजिट पे, बाइनरी डिजिट पे। और बाइनरी डिजिट क्या होती है, जीरो और वन, यानी इस पूरे कंप्यूटर को किससे मतलब है, जीरो और वन से। मान लीजिए आपका नाम राम है, तो इस राम का जो आपने RAM लिखा हो इस कंप्यूटर में आपको फीड करना है, तो वो राम नहीं फीड होगा, वो जीरो और वन में, यानी R को जीरो और वन में कुछ नाम बनाया गया होगा। यानी मान लीजिए अगर 0011 0110 ये मान लीजिए R का वेरिएबल है, यानी अगर आपको राम लिखना है तो आपने तो राम टाइप कर दिया, लेकिन कंप्यूटर क्या मानेगा, A को मान लीजिए, अगर कंप्यूटर कहता है अपनी भाषा में A है 1101110, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी इस राम को पूरा कंप्यूटर क्या बोलेगा, 0010001, इस तरह एंड सो ऑन। यानी इसको कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, इसको कंप्यूटर समझ रहा है बाइनरी डिजिट्स में। यानी ये बात आपको क्लियर हो गई, ये जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं आज के ज़माने के, जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, देखिए ये सब कंप्यूटर तो आपने देखे ही होंगे, ये सारे कंप्यूटर कैसे हैं, ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं, यानी इनकी जो वैल्यू और सिंबल है रिप्रेजेंटेड थ्रू अ बाइनरी वैल्यू, यानी आप कुछ भी इसमें लिखिए ये रिप्रेजेंट किससे होगा, जीरो और वन से। इस जीरो और वन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ये बेसिक क्लास है, इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम एनालॉग की भी फीचर ले लेते हैं और डिजिटल कंप्यूटर की भी फीचर ले लेते हैं, यानी इन दोनों कंप्यूटर को मिक्स करके एक नया कंप्यूटर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप है। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हैं, आप नेट पे भी देख सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मिक्सचर है या फिर कॉम्बिनेशन है। इतनी बात क्लियर होगी। डिजिटल काउंटर पार्ट्स कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स टू परफॉर्म रोबोटिक्स, यानी जो एनालॉग वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, रोबोटिक्स, यानी आपने देखा वो ऑटोमेशन में, तो जो मशीनें काम करती हैं, जो मशीनें ऑटोमेटिक कार्स वगैरह बनाती हैं, तो जो रोबोट काम करते हैं वो किस बेसिस पे वर्क करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर पे। और जो उन पे इनपुट आउटपुट दिया जाता है कि कब रोबोट का, कब रोबोट, मान लीजिए कार की कंपनी है, तो रोबोट कभी कभी क्या करेगा, उसमें पेंट भी करेगा, उसमें क्या करेगा, डोर्स भी लगाएगा, और उसकी क्या करेगा, इंजन भी सेट करेगा। तो हर चीज़ का जो अलग अलग कब क्या इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन कौन देगा, डिजिटल कंप्यूटर देगा, और एनालॉग कंप्यूटर क्या करेगा, फिजिकल वर्क करेगा, यानी जब
ये डिजिटल कंप्यूटर इसको कहेगा कि तुम चलो अब पेंट करो, तो कितना पेंट देना है ये बताएगा, और पेंट करना है कौन करेगा, ये करेगा। यानी इन दोनों का मिक्स होके क्या बन गया हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड अदर प्रोसेस कंट्रोल देगी, कंट्रोल की बात आ गई ना, यानी ये आपको यहाँ पर उसको देगा प्रोसेस और ये कंट्रोल करेगा इसको। हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रेडार ऑफ द नेशनल डिफेंस। यानी ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये कहाँ यूज़ होता है, ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है, तो इसको एयर स्पेस में यूज़ करती है और कहाँ यूज़ करती है, डिफेंस में यूज़ कर सकती है और कहाँ यूज़ कर सकती है, रेडार सोनार, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये बिग अपॉर्चुनिटीज़ में यूज़ होता है, यानी ये बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है। आप खुद सोचिए, अब आप मान लीजिए मारुति की कोई प्लांट है या कोई भी कंपनी है, तो वो अगर कार बना रही है, बजाज अगर अपनी बाइक बना रही है, तो बहुत बड़ा प्लांट है ना, तो वहाँ कैसा कंप्यूटर यूज़ होता है, वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होता है। अभी चीज़ समझिए, वहाँ पर जो बिलिंग का काम होता है, छोटे मोटे काम होते हैं, वहाँ पर तो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ होगा, लेकिन जो वहाँ पर ऑटोमेशन का काम होगा वहाँ कौन सा कंप्यूटर यूज़ होगा, वहाँ पर जो कंप्यूटर यूज़ होगा वो आपका यूज़ होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल साइज। यानी डिजिटल कंप्यूटर जितना बड़ा होगा फिजिकल साइज, यानी उनकी साइज पे डिपेंड करेगा डिजिटल कंप्यूटर कैसा है। द पर्पज ऑफ देयर यूज, डिजिटल कंप्यूटर हम क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बेस्ड ऑन कैपेसिटी, डिजिटल कंप्यूटर की कैपेसिटी, स्पीड और रिलायबिलिटी, उनके बेसिस पे इस डिजिटल कंप्यूटर को चार कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन सी? मेन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये चारों कंप्यूटर आपने नाम सुने होंगे, इनके बारे में क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। बहरहाल आप ये जानिए ये चारों कंप्यूटर किसके पार्ट हैं, ये चारों कंप्यूटर जो हैं डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, ये देखिए आपने ये माइक्रो कंप्यूटर देखा होगा, ये देखिए मिनी कंप्यूटर ये भी आपने देखा होगा, ये देखिए पर्सनल कंप्यूटर, ये तो आजकल हर जगह है। आप CBT के एग्जाम भी देते हैं तो आप किस में देते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर में ही देते हैं ना। लैपटॉप ये भी आपने देखा होगा, बहुत लोगों के पास आजकल है। ये है सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, मान लीजिए जो गूगल में डेटा रखा है, जो यूट्यूब में आप वीडियोज़ डालते हैं, वो वीडियो कहीं जाके सेव होती होगी ना, तो सेव कहाँ होती होगी, किसी मेमोरी में। तो वो मेमोरी क्या है, वो मेमोरी एक फिजिकल मेमोरी है, तो वो जो मेमोरी है उसका कहीं ना कहीं तो ऑफिस होगा ना। आप एक बिल्डिंग मान लीजिए, इस बिल्डिंग में तो सेव हो रहा है ना, तो ये बिल्डिंग जो है वहाँ पर कंप्यूटर जो रखी है, देखिए इतने बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। अब ये सब चीज़ें, हार्ड डिस्क है, रैम है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जानिए ये सुपर कंप्यूटर है, और ये देखिए आपका क्या है, ये टैबलेट है। इतनी बात क्लियर हो गई। द टर्म माइक्रो कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द एडवेंट ऑफ सिंगल चिप लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, आपने सर्किट नहीं देखा, आपने मदरबोर्ड देखी होगी, इतनी बड़ी मदरबोर्ड होती है, उसमें यहाँ पर क्या लगता है, प्रोसेसर लगता है, फिर छोटे 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 ट्रांजिस्टर लगते हैं। आपने एक रिमोट वाली कार भी देखी होगी, उसमें भी प्लेट होती है ना, उसको जो एक लेम टर्म में जो प्लेट बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है, उसी प्लेट को क्या बोलते हैं आप, उसी प्लेट को ही तो आप प्रोसेसर बोल सकते हैं, या फिर आप सिलिकॉन की आप क्या कहते हैं, चिप बोल सकते हैं। और आप देखते होंगे कि उसमें क्या छोटे छोटे वो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों, क्योंकि सर्किट एकदम कंबाइंड एक दूसरे से, इंटीग्रेटेड है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर कैसा है, सिंगल यूजर। अब जब आप CBT देने जाते हैं तो आपके CBT में सिर्फ आप ही तो अपना एग्जाम देते हैं, कोई और स्टूडेंट थोड़ी ना देता है कि उसका कीबोर्ड कहीं और से है, उसकी स्क्रीन आप में चलती है। तो ये क्या है, सिंगल यूजर कंप्यूटर है। एंड CPU इज ए मल्टी प्रोसेसर। अब मल्टी प्रोसेसर क्यों है, आप मान लीजिए आप एग्जाम भी दे रहे हैं, आप घर में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मॉक भी दे रहे हैं और आपका गाना सुनने का मन कर रहा है, आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, और मान लीजिए आपको कोई मैसेज आया, आप साथ ही साथ मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर का काम कर रहे हैं ना। और इसी तरह आप देखें, इट कैन परफॉर्म सेम ऑपरेशन एंड कैन यूज द सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अदर कंप्यूटर। जैसे बाकी कंप्यूटर है वैसे ये भी काम करता है, तो आपको पता ही है। दीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बेटर नोन एज द नेम पर्सनल कंप्यूटर। यानी पर्सनल कंप्यूटर को ही आप क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। जो PC है उसे आप क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। ये आप ध्यान दीजिएगा, मिनी कंप्यूटर मत बोल दीजिएगा, आपको क्या बोलना है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो और मिनी में फर्क होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, अभी हमने पर्सनल कंप्यूटर पीछे देखा ना, पर्सनल कंप्यूटर किसे बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं। अभी हमने पीछे देखा पर्सनल कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं ना। इन आवर एवरी डे यूज द टर्म कंप्यूटर रिफर्स टू डिजिटल कंप्यूटर को बोलते हैं, अ टाइप ऑफ अब टिपिकल एग्जाम्पल बींग कॉमन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर ही को आपको पता है, पीछे हमने डिस्कस किया। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर के भी कई क्लासिफिकेशन है, क्या क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर,
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये सब क्या है, ये सब है पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल। ये क्या है, ये आपका आप देखिए सिंपल आते हैं पर्सनल कंप्यूटर की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर के टाइप्स। कह रहा है इन आवर एवरीडे यूज द टर्म कंप्यूटर रिफर्स टू डिजिटल कंप्यूटर। तो आपको पता है डिजिटल कंप्यूटर भी आपने देखा ना, जो क्या करता है जीरो और वन बाइनरी डिजिट पे चलता है, इतनी बात तो क्लियर है। अ टिपिकल एग्जांपल बीइंग द कॉमन पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वही क्या है, पर्सनल कंप्यूटर भी है। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, और टैबलेट पीसी भी बोल सकते हैं। ये सब किसके एग्जांपल है, पर्सनल कंप्यूटर की। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका पीडीए है। आपने देखा होगा जो डोर शॉप टू शॉप जाते हैं अपना सामान सेल करने, तो जो बिजनेसमैन होते हैं या उनके सेल एजेंट होते हैं वो इस तरह का डिवाइस रखते हैं ना, इनवॉइस निकालने के लिए और कितनी इन्वेंट्री गई कितनी इन्वेंट्री आई ये सब देखने के लिए क्या रखते हैं, पीडीए। आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी देखा होगा जो स्वैप करके आपने पेमेंट करते हैं, वो सब क्या है, वो सब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। ये क्या है, ये आपका देखिए आपका पर्सनल कंप्यूटर है जिसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। स्टोरेज के लिए ये हार्ड डिस्क है, प्रिंट करने के लिए आउटपुट देने के लिए ये प्रिंटर है, ये आपका आउटपुट देने के लिए ये क्या है, ये स्क्रीन है, इसको आप मॉनिटर बोलते हैं। ये आपका इनपुट देने के लिए कीबोर्ड है, ये आपका इनपुट देने के लिए माउस है, और क्या है, ये आपके प्रोसेसर है। तो सो एंड मैनी चीज़ होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या है, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, ये लार्जर होते हैं, नॉट मीन टू बी पोर्टेबल। यानी देखिए आपने सीपीयू, अगर आपने कहीं पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा होगा, उसको आप रोज शिफ्ट नहीं कर सकते उसकी जगह। अगर वो आपके एक रूम में है तो उसी रूम में रहेगा, आपको जाके वहीं पे काम करना पड़ेगा। इसका उल्टा क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप आप कहीं भी लेके अपनी कार में भी लेके आप जा सकते हैं, और उसको अपनी कार में बैठ के, मान लीजिए आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप अपनी कार में भी इस कंप्यूटर को बड़े आराम से चला सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दे यूजुअली सीट, देखिए वही बात होगी, सीट इन वन प्लेस ऑन ए डेस्क और टेबल एंड आर प्लग्ड इनटू अ वॉल आउटलेट फॉर पावर। ठीक है, ये तो फिक्स होते हैं, एक तरीके से कहना चाहता है कि जो पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर हैं, ये फिक्स होते हैं, इनकी फिक्स प्लेस होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। द केस चेसिस, चेसिस मतलब क्या होता है, कैबिनेट, जो आपका सीपीयू जिसमें आप बटन ऑन करते हैं, इतना बड़ा सा होता है ना रेक्टेंगल शेप में, उसको क्या बोलते हैं, चेसिस। कार की भी चेसिस होती है बॉडी, तो चेसिस क्या होती है, बॉडी होती है। यहाँ पर देखिए बटन बने होते हैं, यहाँ पर पहले डीवीडी का बटन होता था, डीवीडी यहीं से निकलती थी, यहीं पर आपके यूएसबी पोर्ट होते हैं, आप यहीं से तार वगैरह लगाते हैं, कीबोर्ड भी इसी में फिट करते हैं, आप मॉडम भी इसी में लगाते हैं, माउस भी इसी में लगाते हैं, लैन केबल भी इसी में लगाते हैं, ईथरनेट केबल भी इसी लगाते हैं, वीडियोग्राफिक कार्ड भी यहीं लगाते हैं। तो सारी चीज़ आप किससे कंट्रोल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, सीपीयू, सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इतनी बात आपको पता है। आगे देखते हैं, व्हेन दिस केस लाइज फ्लैट ऑन द डेस्क देन इट इज़ जनरली रिफर्ड टू अ डेस्कटॉप मॉडल। यानी देखिए डेस्कटॉप मॉडल क्या है, इसी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। एल्स व्हेन इट स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द डेस्क इन द फॉर्म ऑफ टावर इट रिफर्स टू ए टावर मॉडल। जब ये एकदम सीधे ऐसे रहेगा तो उसको टावर मॉडल बोलेंगे, नहीं तो डेस्कटॉप मॉडल बोलेंगे। तो ये डिपेंड करेगा उसकी, जैसे कि उसकी बिल्ड शेप पे इसका नाम बदल जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। तो आगे देखते हैं, द कंप्यूटर यूजुअली हैज ए सेपरेट मॉनिटर। ये बात तो बहुत बेसिक सी, हर कंप्यूटर के पास अपना खुद का एक मॉनिटर होता है, क्योंकि आउटपुट वो अपना कंप्यूटर एक सीपीयू एक ही आउटपुट देगा ना। अ सेपरेट कीबोर्ड एंड अ माउस टू अलाउ द यूजर टू इनपुट डेटा एंड कमांड्स। द मेन एडवांटेज ऑफ टावर मॉडल इज दैट देयर आर फ्यू स्पेस कंस्ट्रेंट विच मेक्स इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस इजियर। तो टावर मॉडल जगह कम लेता है, यही सब बात बता रहा है। आगे चलते हैं, लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप कुछ बताना क्या है, लैपटॉप तो आप अच्छे से जानते हैं, ये पोर्टेबल होता है, इसको आप एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, छोटा होता है, और इट कैन सिट ऑन द लैप, यानी बहुत आराम से कहीं भी रख सकते हैं। लैपटॉप आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप को आप क्या बोलते हैं, नोटबुक कंप्यूटर ही बोलते हैं, ये क्वेश्चन अभी पूछा था। तो नोटबुक कंप्यूटर किसे बोलते हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स बोलते हैं लैपटॉप्स को। ये अभी आपके SSC CGL 2022 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, नाउ डेज लैपटॉप कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर को जैसे आप अपनी नोटबुक इतनी बड़ी होती है, हाथ में लेकर घूम कहीं भी चले जाते हैं, उसी तरह आप लैपटॉप को भी इसी तरह फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसको नोटबुक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, वही बात हो गई ना, पाम टॉप, इन सबको क्या बोलते हैं, सबको लैपटॉप बोलते हैं। दिस कंप्यूटर इज स्मॉलर देन लैपटॉप, यानी अब यहाँ क्या आ गया, पाम टॉप आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर यानी पाम टॉप। यानी पाम टॉप क्या होता है, लैपटॉप से भी छोटे होते हैं।
पाम टॉप आपने देखा होगा, पाम जैसे कि आपका जो छोटा सा आईपैड है वो क्या है, वो पाम टैप है। अच्छा, इट इज़ सो स्मॉल डैट इट लिटरली फिट्स इन अ पाम। देखिए अपनी आपकी हथेली में आ जाए, इसलिए इसका नाम क्या रखा, पाम टॉप रखा। हैंस रिफरिंग टू एज पाम टॉप। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज पाम टॉप कंप्यूटर डू नॉट इंक्लूड डिस्क ड्राइव, यानी इसमें डिस्क ड्राइव अलग से नहीं होती, इसमें इनबिल्ट होती है। कंपेयर टू फुल साइज कंप्यूटर पाम टॉप्स आर सीवियरली लिमिटेड बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शन सच एज फोन बुक्स कैलेंडर, समटाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉकेट कंप्यूटर। अब देखिए हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले पॉकेट कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो पॉकेट कंप्यूटर किसे बोलते हैं अभी हमने डिस्कस किया ना, पाम टॉप कंप्यूटर को। पाम टॉप कंप्यूटर को क्या बोलते हैं आप, पॉकेट कंप्यूटर बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और या पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर पीडीए या पीडीसी, ये हमने आपको दिखाया ना, इस तरह होता है, आपने देखा होगा। आप दुकानों में जाइए तो देखिएगा, आप जो उनके दुकान में सामान देने आते हैं उनके पास इस तरह का रहता है, जो कि उसमें बिल जनरेट करते हैं और बताते हैं कितना सामान दिया, कितना बिल अभी देना है। और जो पुराने जमाने के देखिए मोबाइल, वो भी पीडीए का ही काम करते थे, जिसमें छोटी मोटी एंट्री हो जाती थी, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाता था। ये सब किसके एग्जाम्पल थे, ये सब पीडीए के एग्जाम्पल थे। दिस इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस डेट कम्बाइंस कंप्यूटिंग, देखिए कंप्यूटिंग भी करता है यानी प्रोसेसिंग भी करता है, टेलीफोनिक का काम भी करता है, फैक्स का काम भी करता है, नेटवर्क का काम भी करता है। पीडीएफ कैन फंक्शन है सेलुलर फोन को, देखिए पीडीए बोलते हैं, फैक्स सेंडर को भी पीडीए बोलते हैं, पर्सनल ऑर्गेनाइजर को भी पीडीए बोलते हैं। और पीडीए सबसे पहले कौन लाया था, एप्पल, विच देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, पीडीए सबसे पहले कौन लाया था, तो एप्पल लाया था। ये सब आपके स्टैटिक क्वेश्चन में आते हैं। विच इंट्रोड्यूस द न्यूटन मैसेज पैड इन 1993, यानी 1993 में एप्पल ने पीडीए लाया, और किस नाम से पीडीए लाया, तो आप कहेंगे न्यूटन मैसेज पैड NMP लाया था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ने पूछ सकता है कि न्यूटन मैसेज पैड कौन लाया, तो आप बताएंगे एप्पल लाया। कब लाया, 1993 में लाया। अब एक चीज़ और बता दीजिए, एप्पल के CEO कौन है, एप्पल की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, और एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना। और आप ये भी कह सकते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल, ये सब चीज़ें आपको खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं देखूंगा आपका कमेंट, किसने किसने कमेंट किया है, जो कमेंट करेगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। टैबलेट पीसी क्या होता है, टैबलेट पीसी भी क्या है, एक तरीके का नोटबुक स्लेट शेप्ड मोबाइल कंप्यूटर भी है। ये क्या है, इक्विप्ड विद द टच स्क्रीन, यानी टैबलेट कंप्यूटर। तो आप आज के टाइम पर जितने मोबाइल हैं सब क्या हैं, सारे मोबाइल क्या है, टच स्क्रीन वाले, उनको आप क्या कहेंगे, टैबलेट पीसी बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसको आप डिजिटल पेन, स्टाइलस बोलते हैं, या फिर फिंगर टिप, तीनों से काम कर सकते हैं। शुरू में जब सैमसंग गैलेक्सी आया देखे तो स्टाइलस मिला करती थी, फिर धीरे धीरे पेन आई, अब क्या होने लगा, फिंगर से ही काम करने लगा। और वायरलेस कीबोर्ड कैन बी कनेक्टेड टू दिस फॉर इंटेंसिव टेक्स्ट इनपुट, यानी अगर जब बहुत ज़्यादा आपको डेटा एंट्री करनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, वायरलेस कीबोर्ड इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आगे देखते हैं अदर मॉडल्स ऑफ टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी अभी हमने देखा ना, जो हम लोग टच स्क्रीन, स्टाइलस, और किसी भी किससे आप कर रहे थे, पेन से जिसको इनपुट कर रहे थे, उसका क्या है, उसके कन्वर्टिबल मेथड भी हैं, सच एज स्क्रीन क्रैन रोटेट ओवर द कीबोर्ड, यानी स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हाइब्रिड मॉडल वेयर द स्क्रीन इज फिक्स्ड ऑन द कीबोर्ड, जैसे कि आपका मोबाइल, यहाँ पर स्क्रीन और कीबोर्ड फिक्स है। इसमें क्या था, कन्वर्टिबल मॉडल में क्या था, स्क्रीन और जो आपका कीबोर्ड है वो दूर दूर भी हो सकता है। वर्क स्टेशन क्या है, देख लीजिए, वर्क स्टेशन है एक पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर, ये याद रखिएगा, वर्क स्टेशन क्या है, सिंगल यूजर कंप्यूटर है। वर्क स्टेशन क्या है, लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज़ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, यानी वर्क स्टेशन के पास कैसा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन पावरफुल है, किससे, पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, कौन, वर्क स्टेशन, ये याद रख, इसका नाम ही वर्क है तो ऑब्वियस ही बात है, वर्क कर रहा है तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा। इन जनरल अ हायर क्वालिटी मॉनिटर यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी CAD जिसमें आप क्या बनाते हैं, ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशन। एंड अदर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग अ हाई एंड यूजुअली एक्सपेंसिव मशीन विद कंसिडरेबल कैलकुलेटिंग और ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, यानी जब ग्राफिक्स का काम होगा जिसमें बहुत, उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, वर्क स्टेशन, ये आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं, ये आपकी वीडियो की समाप्ति हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया आज, क्या डिस्कस किया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया हमने, जिसमें हमने बेसिक बस हमको आपको बताया, एक ओवरव्यू दिया।
कि कंप्यूटर के बारे में कि एक कंप्यूटर कैसा होता है, किस किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आगे इस तरह और वीडियो भी आती रहेगी, आप इस तरह वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और किसी की हेल्प करनी हो तो शेयर करिए, क्योंकि उससे दूसरे को मदद मिलेगी। तो यहाँ पर ये वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक की बाय। जय हिंद, जय भारत।